रेडियो एक्टिविटी में आर्टिफिशियल एंड इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी, एक लाइन में ख़त्म करते हैं। कोई न्यूक्लियस स्टेबल है पर आपने क्या किया, बम्बार्टमेंट कर दी ज़बरदस्ती और उसे अनस्टेबल बना दिया, और जो अनस्टेबल बना तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। अब क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया, रेडियो एक्टिविटी अब स्टार्ट होगी, अब चलती जाएगी, हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या हो गई, इंड्यूस हो गई, स्टार्ट हो गई, ख़त्म। तो ये है आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन, हट गया रिएक्टर, अब नहीं आता इसकी कंस्ट्रक्शन। और मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में कि वो पैसेज के टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है, पर वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं पैसेज के टाइप पे, ऐसा कोर क्वेश्चन नहीं पूछते, तो ये करने की अपने को जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी रेडियो एक्टिविटी में एक कॉन्स्टेंट है के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अब के क्या चीज़ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ वन जनरेशन, जब स्टार्ट हुआ था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, अब कितने और पुराने कितने थे। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन वन है तो अब न्यूट्रॉन्स बड़े हैं और पहले छोटे थे, तो रिएक्शन बढ़ रहे, ग्रो कर रहे। अगर वन है तो फिर रिएक्शन कॉन्स्टेंट रेट पर चल रहा है, और अगर लेस देन वन है तो रिएक्शन यानी कि डिक्रीज हो रहा है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियर होलोकास्ट के, अगर न्यूक्लियर वेपन्स चल जाएं तो दुनिया तबाह हो जाएगी, और जो उसमें डिस्ट्रक्शन होगा लार्ज स्केल पे उसे बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकास्ट हो गया। ये न्यूक्लियर होलोकास्ट है, ठीक।